दोस्तों मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 का 2019 का पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसका? एएमयू क्लास 6 का पेपर 2019 का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं बनाता हूं वीडियो जामिया का, बीएचयू का, डीयू का, पॉलिटेक्निक का, जेएनयू का, एएमयू का। तो दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूपी पॉलिटेक्निक, सारे स्टेट के पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया का वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको हर यूनिवर्सिटी का वीडियोस, आपको वेल कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट आपको मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों मैंने एएमयू क्लास 6 का वीडियो लेके आया हूं, आप देखिए इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन। जब भी आपको पेपर मिलता है तो ऊपर में एक कवर होता है जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है, नेम ऑफ द सेंटर लिखना होता है, सेंटर कोड लिखना होता है, डेट ऑफ द टेस्ट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और मैक्सिमम 85 मार्क्स का एग्जाम होता है, 2 घंटे का होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, बिल्कुल ऐसा ही डिटो आपको पेपर मिलेगा एएमयू का क्लास 6 का। तो दोस्तों मैं 9th का भी आपको बताने वाला हूं और इसके साथ साथ 11th क्लास का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2019 का जो पेपर है उसमें 85 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक वीडियो में 85 क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करूं तो कम से कम आपका 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा। कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा 1.5 घंटे का वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको सहूलत के लिए, आपके सुविधा के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाया हूं। 3 पार्ट के कैसे पार्ट होंगे मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के। तो पहले वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दूसरे पार्ट में साइंस का 30 क्वेश्चंस का, और तीसरे पार्ट में मैथ का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। इसी तरह मैं 9th का भी करने वाला हूं, 11th का भी करने वाला हूं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी करने वाला हूं, एएमयू, जामिया, यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, सभी का। तो दोस्तों इसी हिसाब से, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए मैं 30-30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस एक वीडियो में लेके आऊंगा। दोस्तों अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो 2 घंटे की क्लासेस होती है, 1 घंटे की क्लासेस होती है, तो यूट्यूब पे भी तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए उसको शॉर्ट में करके बताऊंगा जिसको आपको मजा भी आए और बोरियत भी फील ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 लेके आया हूं, पार्ट 2, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप कल परसों आपके पास मिल जाएगा। तो आज के दिन सिर्फ पार्ट 1 पे हम चर्चा करेंगे, पार्ट 1 में इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह आपको 9th, 10th का भी मिलेगा। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन थी, आप देख लीजिए पहले पेज में आपको इंस्ट्रक्शन होता है। इस इंस्ट्रक्शन में आपको एग्जाम के बाद ओएमआर शीट आपको हैंड ओवर करने होते हैं और एडमिट कार्ड भी हैंड ओवर उसी एग्जाम सेंटर पे कर देने होते हैं। एडमिट कार्ड आप वापस लेके नहीं आ सकते, मैं फिर से बता रहा हूं, 9th का हो, 11th का हो या किसी भी एग्जाम हो, आजकल एडमिट कार्ड जो आपको मिलते हैं ऑनलाइन वो वहीं पे हैंड ओवर हो जाते हैं, क्योंकि आपका सिग्नेचर चेक होता है। तो आपको ओएमआर शीट के साथ एडमिट कार्ड भी वहीं हैंड ओवर कर देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। एग्जाम पैटर्न्स में 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू 15 मार्क्स के होता है और मैथ के 30 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये उर्दू का है, हिंदी है और इंग्लिश है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का पेपर होता है और ये जो पेपर है अप टू 85 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आसान वाली चीजें बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी का। तो हिंदी में दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा की जगह पे आता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, यानी नाउन जो है, ये नाउन का मतलब होता है संज्ञा हिंदी में और ये होता है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था हिंदी का कि संज्ञा के बदले किसको बोला जाता है, तो सर्वनाम को बोला जाता है, यानी 10वें के बी आंसर है। अब 11 क्वेश्चन है कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची मतलब होता है सेम सेम, मतलब सिनोनिम।
सिनोनिम होता है, पर्यायवाची मतलब सेम सेम, जैसे गुड मतलब अच्छा होता है, फैबुलस होता है, मतलब ये क्या है, सिनोनिम से यानी पर्यायवाची है। तो फूल को पुष्प भी बोला जाता है, फूल को सुमन भी बोला जाता है और फूल को कुसुम भी बोला जाता है। तो कुसुम, सुमन, पुष्प, फूल सब एक ही है, फूल का हम नाम है, फूल का दूसरा नाम पुष्प, सुमन, कुसुम है। और इसमें जो नीरद है, नीरद मतलब होता है बादल। तो दोस्तों इसमें यह है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरद जो है वो नहीं है, यानी 11 का आंसर होगा डी, नीरद। नीरद फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 12 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनिए, मैं, लाल, पढ़ना और अलीगढ़। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी एक खास जगह किसी चीज का नाम होता है, जैसे इसमें अलीगढ़ है। तो 12 का जो क्वेश्चन है अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है वो एक खास जगह का नाम है, इसलिए अलीगढ़ जो है एक संज्ञा है। तो 12 का आंसर हो गया सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है, अलग अलग पार्ट में करके रखा है। मैं अभी हिंदी का बता रहा हूं, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उर्दू का बताता हूं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं 6 का, अगर आप 9th क्लास की तैयारी करते हैं 11th का, तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें देखिए न, औ, क, अ, री, तो ये नौकरी लिखा हुआ है, तो आपका जो इसमें देखिए नौकरी कौन सा शब्द अच्छा है, ये वाला। 13 का जो सी है वो एग्जैक्ट आंसर है, तो 13 का सी जो है वो आंसर है। विद्यालय का शब्द का संधि विच्छेद है, विद्या प्लस आलय, देखिए इसमें से कौन सा है, 14 का जो है वो सी आंसर है, विद्या प्लस आलय। अब हम बढ़ते हैं आगे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने लेटर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि हिंदी के वर्णमाला जो होते हैं इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। हिंदी में जब वर्ण की बात करेंगे आप, तो वर्ण में दो भागों में बांट दीजिए, स्वर और व्यंजन, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन जो होते हैं 33। अब स्वर में अ, आ, ई, ई, ये स्वर होता है, व्यंजन में क, ख, ग, घ से ज्ञ तक 33 होते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 × 4 3 × 4 यानी 44 है। जैसे अल्फाबेट में ए बी सी डी में 26 वर्ड है, 26 लेटर है, उसी तरह हिंदी में कुल 44 लेटर है। कितने हैं, 44 लेटर है हिंदी में, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, तो दोनों को जोड़ के 44 हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व है। देखिए ईद राष्ट्रीय पर्व नहीं है, होली नहीं है, दीपावली नहीं है, तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो है राष्ट्रीय पर्व, तो 15 का सी आंसर हो गया। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर लेख लिखना, यानी 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 16 का जो आंसर होगा वो सी होगा, मतलब कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख लिखना। ये हो गए हिंदी के क्वेश्चंस। दोस्तों अब मैं आपको इंग्लिश का क्वेश्चंस बता दूं। 17 नंबर में देखिए बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग था, अलग अलग आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका अलग अलग मीनिंग आएगा, लेकिन मैं आपको सही इसको करेक्ट आंसर बताता हूं। बहुत सारे गाइड में भी क्वेश्चन ये गलत दे रखा है। तो दोस्तों इसमें देखिए अम्ब्रेला के पहले क्या लगता है, अम्ब्रेला के पहले हमेशा एन लगता है, एन अम्ब्रेला इज अ, ये क्या होगा, अ यूजफुल थिंग, मतलब एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। तो इसमें देख लिए 17 का जो सी है वो आंसर सही होगा। 18 का देखिए, 18 में क्या पूछ रहा है कि 18 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका इन सब में इसका प्लूरल क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर ये है, प्लूरल फेरी का क्या है, प्लूरल फेरी का क्या है। तो फेरी का प्लूरल जो होता है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसको पूछ रहा है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो 18 का जो बी है फेरीज, ये होगा इसका प्लूरल। जैसे पेन है एक होता है, इसका पेन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, पेन्स होता है, इसमें एस लगता है। उसी तरह जो है फेरीज इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि जो जैसे बेबी का बेबीज होता है, वाई को आई में चेंज करके ई एस लगा देता, फेरी का क्या होगा, प्लूरल फेरीज होगा। 19 का देखिए प्लूरल ऑफ टूथ, टूथ का प्लूरल क्या होता है,
टीथ होता है, क्या होता है, टूथ का टीथ होता है, एस नहीं लगता है दोस्तों, टूथ सिंगुलर है और टीथ प्लुरल है, टीथ्स नहीं होते हैं, ये कभी एस बहुत लोग इसमें गलती करते हैं कि टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, इसमें एस नहीं लगेगा, राइट। तो 19 का ए आंसर है। 20 का कह रहा है कि टिक द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग टिक करना है, बिलीव का क्या है, तो बिलीव का जो करेक्ट स्पेलिंग है बी ई एल आई ही होता है, हमेशा याद रखिए बी ई एल आई, एल आई होता है और एल आई के बाद ई भी होता है, तो एल आई जो झूठ बोलने वाला लाई होता है, बिलीव मतलब विश्वास, तो लाई का जो स्पेलिंग होता है ना झूठ बोलने वाला, वही स्पेलिंग बिलीव में भी होता है, तो 20 का ए आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश में 21 का देखिए, 21 में क्वेश्चंस पूछ रहा है, द ओल्ड लेडी आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, अब इसमें हुम हु विच दैट, तो द वो लेडी जिससे मैं मिला था आपके घर में वो मेरी नेबर है, तो इसमें हुम फिट बैठ रहा है, बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड होते हैं कि सबको बैठा के देखिए, जो आपको फिट लगता है वही आंसर सही होता है, तो ओल्ड लेडी आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, तो हुम इज अ आंसर, करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन ये कह रहा है करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ ओबे इज, ओबे का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है, प्रीफिक्स मतलब पहले, जो पहले लगाएंगे तो फिट बैठेगा, आप देख लीजिए करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ ओबे इज क्या होगा, 22 का, 22 का जो आंसर आएगा वो होगा डिस, 22 का जो आंसर है डिस ओबे, क्या हो जाएगा डिस, डिस ओ बी ई वाई, डिस ओबेडियंट भी होता है ना, तो ओबे और डिस, डिस तो ये डिस ओबे हो जाएगा। 23 क्वेश्चन कर रहा है सुटेबल सफिक्स फॉर द वर्ड वीक इज, वीकनेस नहीं होगा क्योंकि वीकनेस जब होता है तो वो डब्ल्यू ई ए के होता है, वीक मतलब कमजोर, तब वीकनेस होगा, ये जो वीक दिया है इसका जो फिट बैठेगा वो बी होगा, यानी 23 का बी आंसर है वीकली। अब 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट द वर्ड ब्रेव इज, ब्रेव के उल्टा क्या होता है, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, और कोवार्ड वीक नहीं, कोवार्ड मतलब होता है कायर, डरपोक, डरने वाला, तो ब्रेव का उल्टा क्या होगा, कोवार्ड, स्मार्ट तो होगा नहीं, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा ब्रेव का, ये दोनों लगभग सेम है, वीक मतलब कमजोर, तो स्ट्रांग का उल्टा वीक होगा, किसका, स्ट्रांग, अगर यहाँ पे स्ट्रांग रहता तो इसका उल्टा जो होता वो वीक होता, मजबूत का कमजोर, बहादुर मतलब ब्रेव, ब्रेव का उल्टा होगा क्वाड, डरपोक, डरपोक, डरपोक कायर। 25 क्वेश्चंस कह रहा है द गर्ल लुक्ड अप एट द क्या ऑफ स्टार्स, स्टार्स के क्या बनते हैं दोस्तों, 25 का क्वेश्चन देखिए, स्टार हमेशा झुंड में रहता है, क्लस्टर में रहता है, द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार, तो 25 का बी आंसर सही होगा। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी बता दिया है, अब उर्दू देखिए, उर्दू बहुत आसान है, जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं उनको मैं बता रहा हूं कि उर्दू बहुत ही आसान है। दर्जा ज़ैल में इस्म की खास कौन सी है, खास किसको कहते हैं, इस्म मतलब वो होता है जो खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इस्म, तो इस्म किसी भी जगह का खास का चीजों को बोलते हैं, किसी जगह किसी चीज किसी नाम को चीज को इस्म बोलते हैं। तो इसमें देखिए किताब तो कोई भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है किताब, उर्दू का भी हो सकता है, संस्कृत का भी हो सकता है किताब, कुछ भी हो सकता है, शहर अलीगढ़ भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, बुलंदशहर भी हो सकता है, दरिया, दरिया बहुत, नील नदी भी हो सकता है, बहुत टाइप के दरिया हो सकते हैं, नाम तो किसी का नहीं दिया, तो जिसमें नाम है, अलीगढ़ एक खास नाम है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। नज्म तराना हिंद किसने लिखी, तराना हिंद ने लिखा, अल्लामा इकबाल ने, हिंद के जितने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुल सिता हमारा, और इन्होंने ये भी लिखा लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल साहब ने ये भी लिखा है गुरु नानक जी पे। तो दोस्तों तराना हिंद ने किसने लिखा है, दो का आंसर जो होगा बी होगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है दर्जा जैल में कौन सा सही नहीं है,
कौन सा सही नहीं है, नो वाला चीज है कि कौन सा सही नहीं है। 15 अगस्त योम आजादी, आजादी के दिन है, ये सही है, ये सही है। 14 नवंबर योम इत्फाल, इत्फाल मतलब होता है बालक या बच्चा, क्या होता है बालक या बच्चा, चिल्ड्रेन, तो 14 नवंबर को चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को योम जमहूरिया, 26 जनवरी को योम जमहूरियत मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। योम मतलब होता है दिन, योम आशूरा, योम आजादे, योम जमहूरिया, योम इत्फाल, योम इस्ताज़ा। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका जन्मदिन 11 को है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म होता है वो 14 नवंबर का है, यानी इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म पे मनाया जाता है बाल दिवस, बच्चों से ज़्यादा उनको प्यार था तो 14 नवंबर को उनके जन्म पे ही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। और 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का बर्थडे है, इसलिए नेशनल एजुकेशन, फर्स्ट भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्हीं के नाम पर मनाया जाता। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लिखना चाहिए था इल्म का, एजुकेशन डे पे। तो दोस्तों तीसरा का डी आंसर है। चौथा जो है, हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे, वजीर आज़म होता है पीएम, भारत का पहला पीएम कौन था, पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वजीर आज़म थे। अब दोस्तों इल्म की जमा बताइए, जमा मतलब होता है प्लूरल, वाहिद मतलब वाहिद, वाहिद मतलब क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर, वाहिद मतलब सिंगुलर, और जमा, जमा मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल, जमा मतलब प्लूरल और वाहिद मतलब सिंगुलर, वाहिद है, वाहिद मतलब सिंगल है। इल्म की जमा बताइए, तो इल्म का जमा होता है उलूम, इल्म का जो जमा होता है वो होता है उलूम, जैसे कि आलिम का होता है उलमा, आलिम का, आलिम जो होता है इसका जो जमा होता है उलमा होता है, उसी तरह इल्म का जो जमा होता है प्लूरल होता है उलूम होता है। इल्म मतलब एक उलूम मतलब बहुत सारे इल्म लेने वाले। लफ्ज सख्ती का उल्टा क्या है, मतजाद मतलब उल्टा, मतजाद मतलब उल्टा लिखा है, लफ्ज सख्ती का क्या है नरमी, सख्ती का उल्टा क्या है नरमी। साथ देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मशहूर दानिशगाह है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म लेने का बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी में मुल्क क्या है, मुल्क जो है मतलब जगह जो है अलीगढ़, इसमें क्या है, इसमें है, इसमें मतलब होता है किसी खास जगह, किसी खास नाम, जैसे नाउन जो होता है ना वही चीज़ इसमें है, इसम को बोल सकते हैं नाउन, नाउन भी बोल सकते हैं और संज्ञा भी बोल सकते हैं, किसको, इसम को। तो अलीगढ़ में ये जो मुल्क है मतलब जगह, मुल्क मतलब जगह, अलीगढ़ जो मुल्क है मतलब जो जगह है इसमें क्या है, सिफात है, फाल है, ज़मीर है, तो इसमें है, इसमें सात का ए आंसर हो। सही इमला बताएं, सही इमला बताएं, इसमें कौन से लफ्ज़ है जो सही है, देखिए ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, तो ये आठ का जो ए है वो सही है। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी उर्दू इंग्लिश के 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। इसी तरह पार्ट सेकंड में मैं आपको लेके आने वाला हूँ साइंस के क्वेश्चंस। अब मेरा यहाँ से होगा साइंस के क्वेश्चंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथ की तरफ। तो सिर्फ पार्ट तीन, यानी तीन ही में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे आपने दो तीन साल का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका सिक्स में होना कंफर्म हो जाएगा, उसी तरह नाइन्थ का, उसी तरह इलेवेंथ का, उसी तरह डिप्लोमा में सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आप हो जाएंगे सक्सेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली पार्ट में, कल इसका दूसरी पार्ट अपलोड हो जाएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते,
तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।